गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। और कल मैंने मेरे भाई से बात किया, वो भी डॉक्टर है, विदिशा के मेडिकल कॉलेज में जो है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में है। तो वो बता रहा था कि अभी दो एक दिन में उनका नाम भी आएगा, तो उसको भी वैक्सीन लग जाएगा। तो मेरे कई सारे फ्रेंड जो फ्रंट लाइन में हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, उन सबको ऑलमोस्ट वैक्सीन जो है एमपी के अंदर जो है लग चुका है। महाराष्ट्र में भी वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि थोड़े दिन के बाद में ये पहले राउंड में डॉक्टर्स को, पुलिस को और जो डिफेंस पर्सनल्स को, पॉलिटिशियंस को और ये जो फ्रंट लाइन ब्यूरोक्रेट्स, उनको वैक्सीन लगेगा। उसके बाद आम पब्लिक के लिए थोड़े दिन में वो अवेलेबल हो जाएगा। और हम सभी लोगों को मैंने देखा कि मेरे परिचय में ऑलमोस्ट सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाया हुआ, जो डॉक्टर्स हैं मेरे साथ में कलीग हैं उन्होंने। तो वैक्सीन को लेकर जो बहुत सारी जो अवधारणाएं हैं, गलत जो न्यूज़ आ रहा है व्हाट्सएप पर, उसको प्रमोट मत कीजिए ना, उसको फॉरवर्ड कीजिए। और यकीन रखिए कि वैक्सीन बहुत सारे सेफ्टी ट्रायल्स के बाद मार्केट में आती हैं, और अब वो ज़माना नहीं रहा है कि आदमी पर ट्रायल करें। अब ये पहले ही बहुत बड़े स्तर पर जो है वो सब कुछ जाँच हो चुकी होती है। और वैक्सीन हम लोग बचपन से बहुत सारी लगवाते ऑलरेडी आ रहे हैं, इसलिए वैक्सीन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब भी आपको लगवाने के लिए गवर्नमेंट अरेंजमेंट करेगी, जरूर वैक्सीन लगवाइएगा, तभी हम इस वायरस को हरा पाएंगे। आज हम बात करेंगे, कई सारे बच्चों ने मुझे एक चीज़ पूछी है कि सर, हमारे आसपास जब कंडीशन ठीक नहीं होती तो हम जो है वो बड़े झुंझला जाते हैं, कई बार पढ़ने में मन नहीं लगता है, कई बार मैं जो है वो समझ नहीं पाता हूँ या समझ नहीं पाती हूँ कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और कई बार जो है मुझे लगता है कि जीवन व्यर्थ है। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं हम पॉजिटिव आउटकम कुछ निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। जब आप कोई मोटिवेशनल बात सुनते हैं, दो पाँच मिनट मोटिवेटेड रहते हैं, फिर वही ढर्रा, वही सब कुछ लाइफ वहीं पहुंच जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको सुनाता हूं, एक छोटा सा किस्सा बतलाता हूं आपको मैं, कि एक बार क्या होता है, एक रेस्टोरेंट होता है, सुनिएगा कहानी के, एक बार एक रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट होता है, उस रेस्टोरेंट में जो है वो तमाम लोग बैठे हुए अपना कॉफ़ी पी रहे होते हैं, सैंडविच खा रहे होते हैं, वॉट एवर, मॉर्निंग सुबह का समय होता है, एक रेस्टोरेंट होता है। तो अचानक से एक कॉकरोच उड़ता हुआ आता है और एक महिला, एक लेडी बैठी होती है, उनके हाथ पर आकर बैठ जाता है कॉकरोच, बड़ा सा कॉकरोच उड़ता हुआ आता है और हाथ पर बैठ जाता है। वो लेडी एकदम कॉकरोच देख के घबराती होती, कॉकरोच कॉकरोच चिल्लाती जोर से, एकदम शोर करती जोर से चिल्लाती है वो, और जोर से अपना हाथ झटकती है। अब वो कॉकरोच जो है उड़कर कॉकरोच दूसरी महिला के शोल्डर पे जाके बैठ जाता है। वो जैसी देखती है सामने वाले जो सामने जो बैठा होता है, तो आए कंधे पे कॉकरोच है, वो देखती एकदम झटके से हटाती है उसको, चिल्लाती क्या है ये, कैसा कर रहा है रेस्टोरेंट, कितना गंदा है, ये है वो है, कॉकरोच है, मुझे कुछ नहीं खाना है, चलो चलो यहाँ से बाहर चलो, उठ के वो ये सब बोलने लगती है। अब चूंकि वो जब ये सब शोर हो रहा होता है, तो वेटर जो है, जो रेस्टोरेंट का जो वेटर होता है, वो वहाँ पास आ जाता है कि महिला की हेल्प करने पे, समझाने के लिए कि मैडम कुछ नहीं है, बाहर से उड़ता हुआ आया था, हमारे रेस्टोरेंट में कॉकरोच नहीं है, बाहर का मेन गेट खुला है, वहाँ से उड़ता हुआ कहीं से ये आ गया, तो समझाने जाता है। इतने में वो कॉकरोच उड़कर उस वेटर के कंधे पर आकर बैठ जाता है। ठीक है, वेटर एक सेकंड को रुकता है, कुछ नहीं बोलता है, रुकता है, वो कॉकरोच को ध्यान से देखता है, वो चुपचाप से पेपर नैपकिन उठाता है और झटके से पकड़ता है कॉकरोच को, और नैपकिन में पकड़कर उसको होटल के बाहर फेंक के जाता है। ठीक है, अब इन तीनों सिचुएशन में यदि आप देखें, तो तीनों के पास, दोनों महिलाओं के पास, उस वेटर के पास कॉकरोच पहुंचा। ठीक है, लेकिन रिएक्शंस तीनों के अलग अलग थे। एक महिला एकदम चिल्लाई जोर से कॉकरोच कॉकरोच, एकदम डर गई, वो अपना हाथ जोर से झटकाया उस नेट के और एकदम बदहवास हो गई उठ के। दूसरी महिला के पास पहुंचा तो वो महिला एकदम गुस्से से आग बबूला हो गई कि क्या रेस्टोरेंट है ये वो तमाम चीज के, और एकदम वो उठ के जाने लगी वहां से। जब वही कॉकरोच उस वेटर के पास पहुंचा तो वेटर ने जो है वो उसको देखा, पकड़ लिया उसको ने। तो आपको पता है इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि पहले के दो लोगों ने, उन दोनों महिलाओं ने सिचुएशन पर रिएक्ट किया, सुनिएगा बात करके, उन दोनों महिलाओं ने सिचुएशन पर रिएक्ट किया, लेकिन वेटर ने रिस्पॉन्ड किया। फ़र्क है, बहुत गहरा फ़र्क है, रिएक्शन में और रिस्पॉन्स में फ़र्क है। आप समझिएगा बात की गहराई उठ के, कि उन दोनों महिलाओं ने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया दी उन्होंने, लेकिन वेटर ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड में थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्ड किया, देखा, ऑब्जर्व किया और सिचुएशन को कंट्रोल में लेके पकड़ के बाहर कर दिया उसने के, ये वेटर ने किया। ठीक है, हम में से अधिकांश लोग दुखी इसलिए रहते हैं, अधिकांश लोग इसलिए जो है वो परेशान रहते हैं, क्योंकि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं। सुनिएगा बात के, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। आपको पता है कि वो कोई भी घटना, कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है वो स्टिमुलस है, वो कोई भी घटना, वो कोई भी चीज जो आपको डिस्टर्ब करती है वो स्टिमुलस है,
और आप उसके अकॉर्डिंग जो करेंगे वो रिस्पॉन्स है आपका, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक टाइम गैप होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में या रिएक्शन के बीच में टाइम गैप होता है, और वो टाइम गैप में ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्ट करना है, और यदि रिस्पॉन्ड करना है तो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है वो डिसाइड होता है। जिंदगी में जो सफल लोग होते हैं ना, वो उस टाइम गैप का ही इस्तेमाल करते हैं, वो उस टाइम गैप का ही यूज करते हैं, सही यूज करते हैं। मतलब सिचुएशन जो है, ऐसा नहीं है कि कोई सुखी आदमी है तो वो उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो दुखी करने वाली ना हो, या सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट लाइफ जो है वो एक मिथ्या है। परफेक्ट लाइफ केवल एक जो है, समझ लीजिए, परफेक्ट लाइफ जो है वो एक प्रकार से भ्रम है। परफेक्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, यूनिवर्स भी परफेक्ट नहीं है, सन भी परफेक्ट नहीं है, अर्थ भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन नहीं होता है। कोशिश होती है परफेक्शन की, पूर्णता की कोशिश होती है। तो बात इतनी सी है कि जो सुखी आदमी इसलिए सुखी है कि वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्ड करता है, और ऐसी दिशा में रिस्पॉन्ड करता है जो उसको डिस्टर्ब ना करती हो। एक कॉकरोच ने उस रेस्टोरेंट में जाके सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली वो तो एक एनिमल क्रिएचर था, उसको जब उसको ठीक से रिस्पॉन्ड किया, वेटर ने पकड़ के बाहर कर दिया उसको। ठीक है, तो जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कई सारी परेशानियां उस कॉकरोच के समान आती है और हम एकदम से रिस्पॉन्ड करने के बजाय हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्स करने के बजाय रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करते हैं हम तमाम शोर मचा लेते हैं, तमाम परेशान हो जाते हैं, अपने आप को दुखी करते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं, पूरा सीन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने रिएक्ट किया। यदि हम सब्र से लेके समझते, उसको वक्त देते और फिर रिस्पॉन्ड करते तो शायद से वो कंडीशन उतनी बड़ी बनती ना हो। तो जीवन में आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा है कि हमको जीवन में रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो टाइम गैप होता है वहां सोचना है कि करना क्या है, बगैर सोचे नहीं करना है। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।